हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगेन कुनरी एच एडिटिंग। सो दोस्तों कैसे हैं, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो एडिटिंग है स्नैपसीड एंड लाइट रूम में। ओके सो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ट्रिक बताए हैं एंड कुछ अलग करके बताया है जिसकी माध्यम से आप बहुत ही अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। ओके सो वीडियो एंड तक देखना और वीडियोज को लाइक नहीं तो वीडियोज को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके सो आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियोज की ओर। ओके सो दोस्तों, आपकी जो फोटो है सैंपल, उस फोटो को आप शेयर कर लेना लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। ओके सो मैं लाइट रूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेता हूँ एंड मैं इस वीडियो में कुछ आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से बहुत ही अच्छी एंड प्रोफेशनल आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक के अंदर। सो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा एंड वीडियो एंड तक देखिएगा। ओके सो लाइट रूम आने के बाद ऑल फोटोज पर सेलेक्ट करने के बाद आपकी फोटो है उसे आप सेलेक्ट कर लेना। ओके आपकी फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्रॉप करके जो साइड सारी आपकी है वो थोड़ा क्रॉप करके राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना एंड राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। ओके एंड इतना करने के बाद नीचे आपको लाइटिंग वाला ऑप्शन दिखने में आ रहा होगा इफेक्ट वाला, इस पर क्लिक कर लेना एंड आपकी फोटोज में जो भी आप हाईलाइट कम हो ज़्यादा हो, कंट्रास्ट वगैरह कम ज़्यादा हो कर लेना। कंट्रास्ट हम बढ़ा लेंगे एंड हम हाईलाइट है हाईलाइट को आप थोड़ा सा कम कर लीजिएगा एंड शेडो को थोड़ा आप बढ़ा लीजिएगा एंड वाइट है वाइट को थोड़ा कम ही रख लीजिएगा एंड ब्लैक ब्लैक को भी थोड़ा आप कम रख लीजिएगा। ओके इतना करने के बाद दोस्तों आपको ये वाला इंटरफेस की स्क्रीनशॉट रख लेना है चाहो तो, नहीं तो फिर छोड़ दो। ओके तो इतना करने के बाद नीचे कलर वाला ऑप्शन देखना रहा है, इस पर क्लिक कर लेना। इसकी सैचुरेशन है आप थोड़ा बढ़ा लीजिएगा एंड वाइब्रेशन है वाइब्रेशन को भी आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ओके सो उसके बाद ऊपर आते हैं, टेंट आता है एंड टीम आता है। ओके इस दोनों को थोड़ा थोड़ा हाई करिएगा। ओके सो दोस्तों इतना करने के बाद आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा कलर। ओके कलर मिक्स कलर वाला ऑप्शन दिखने में आ रहा ही होगा दोस्तों। सो मिक्स वाले कलर पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके सो ऊपर मिक्स वाले कलर पर हम क्लिक कर लेते हैं। ऊपर मिक्स वाले क्लिक करने के बाद इसका हुई है फर्स्ट वाला हुई को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे हाई करेंगे। ओके एंड सैचुरेशन को हाई करेंगे एंड डिटेल ल्यूमिनेशन इसको भी हम हाई करेंगे। ओके एंड सेकंड नंबर पर आता है हुई को भी हम फुल करेंगे एंड सैचुरेशन को कम करेंगे ल्यूमिनेशन फुल करेंगे जिसकी माध्यम से हमारा फेस है वो वाइट एंड गोरा एंड ऑसम हो जाता है। ओके सो इतना करने के बाद दोस्तों आगे आता है ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर। ओके येलो एंड ग्रीन कलर, इसमें फ़ायदा इसका ये है कि इसमें आप बैकग्राउंड कोई भी कलर चेंज कर सकते हो, ग्रीन कलर कर सकते हो येलो कलर कर सकते हो जस्ट दो क्लिक में। ओके सो मैं तो अपनी बैकग्राउंड कलर का येलो कलर हो सॉरी ग्रीन कलर रखना चाहता हूँ तो इसलिए हुई को भी हम फुल कर लेंगे, सैचुरेशन को ल्यूमिनेशन को फुल कर लेंगे। ओके तो इसको कर लेंगे एंड जो फाइव नंबर वाला ऑप्शन आता है इसका टी शर्ट कलर चेंज है तो टी शर्ट का कलर यही कर लेंगे हुई फुल सैचुरेशन फुल और यही जे बस एंड फाइव नंबर वाला यही जे। ओके सो इसको आपको छेड़खानी नहीं करनी है, अगर आप कपड़े क्लॉथ वगैरह चेंज करना चाहते हो तो करना, बट इसको कोई छेड़ने का कोई काम नहीं है, बट मैंने तो बस वैसे ही इसको आगे पीछे कर लिया। ओके सो ये तो कुछ था ही नहीं इसमें कलर वगैरह, टी शर्ट का कलर चेंज करना है सो ये आप कर लेना। ओके सो उसके बाद डन करना, डन करने के बाद नीचे आपको इफेक्ट वाला नज़र दिखने में आ रहा होगा ठीक है स्क्रोल करके ठीक है, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद इसका टेक्सचर है थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, क्लैरिटी को भी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा एंड विग्नेट विग्नेट को आप थोड़ा हाई कर लीजिए लो कर लीजिएगा सॉरी। ओके एंड इतना लो करने के बाद यहाँ से आप फेदर है फेदर को भी थोड़ा हाई कर लेना एंड हाईलाइट एंड ग्रीन इसको साइज को एंड इस फोर वाले ऑप्शन दोनों को फुल कर लीजिएगा एंड नीचे शार्पिंग है इसको भी फुल, मेकिंग को भी फुल, कलर वाइज एंड डिटेल एंड कंटेंट एंड डिटेल एंड स्मूथ इस दोनों को भी आप फुल कर लीजिएगा। ओके इस दोनों को फुल करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर शेयर वाला ऑप्शन देखने में आ रहा ही होगा दोस्तों, जो शेयर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद चलते हैं हम स्नैपसीड में। सो हमारी नेक्स्ट एडिटिंग होने वाली है स्नैपसीड एप्लीकेशन में जिसमें मैंने कुछ ट्रिक बताई है आपको, बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही ज़बरदस्त एडिटिंग होगी उस एप्लीकेशन में जिसमें आप देखना आपको बहुत ही ट्रिक आसान से लगेगी एंड आप बोलोगे वाह रे भाई बहुत ही अच्छी ट्रिक बताइए। ओके सो फोटो शेयर कर लेते हैं एंड उसके बाद स्नैपसीड में आ जाते हैं। स्नैपसीड में आने के बाद दोस्तों ये प्ले स्टोर ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना एंड जो आपकी फोटो है उसे आप सेलेक्ट कर लेके आना। ओके सो मैंने मेरी पिक्चर सेलेक्ट कर ली। ओके दोस्तों आप देख सकते हो एंड पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको प्ले स्टोर वाला ऑप्शन देखने में आ रहा ही होगा दोस्तों। सो प्ले वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेना सिंपली पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना एंड पेंसिल वाले ऑप्शन पर नीचे चले आना। नीचे आने के बाद डबल एक्सप्लोरर आपको देखने में आ रहा ही होगा दोस्तों, इस डबल वाले एक्सप्लोरर पर क्लिक कर लेना। ओके डबल एक्सप्लोरर पर क्लिक करने के बाद आपकी जो सैंपली फोटो थी जो विदाउट एडिटिंग वो आप सेलेक्ट कर लेना। ओके सो मैंने सेलेक्ट कर लिए एंड नीचे आपको ये आइकन दिखने में आ रहा होगा ठीक है, इस आइकन पर क्लिक कर लेना। ओके इस आइकन पर क्लिक करने के बाद इसकी ओपेसिटी 100 ही कर लेनी है। ओके सो उसके बाद राइट वाला ऑप्शन दिखने में आ रहा होगा नीचे आपको। ओके
सो उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, उस पर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको एरो का निशान दिखने में आ रहा होगा। ओके, उस एरो पर क्लिक कर लेना एंड यहाँ से व्यू एडिटिंग दिखने में आ रहा होगा दोस्तों आपको। ओके, सो व्यू एडिटिंग पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ओके, सो व्यू एडिटिंग पर क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना एंड नीचे आपको ब्रश ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। ब्रश ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इन्वाइट वाला ऑप्शन देखने में आ रहा होगा। ओके, सो आप इन्वाइट वाले पर क्लिक करना, सॉरी इन्वाइट पर तो क्लिक नहीं करना है बट इन्वाइट पर आपको मैं ट्राई करवा देता हूँ। देख, ये आफ्टर एंड बिफोर, ये हमारी पिक्चर थी। ओके, सो लाइट रूम से पहले हमने एडिट हमारी नहीं थी, सो लाइट रूम में कलर करके इस तरह से आए। यस भाई, इन्वाइट नहीं करना था। ओके, उसके बाद यहाँ से आपको 100 वाली ओपेसिटी, इसकी 100 कर लेनी है एंड अपने फेस के ऊपर इस तरह से चला लेना। ओके, जो कि आपके फेस के ऊपर एक्स्ट्रा आ चुका है लाइट रूम में, वो आपको इरेजर हो जाएगा। ओके, सो ये थी ट्रिक, आपको ट्रिक कैसी लगी है कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, सो इतना कर लेना। इतना करने के बाद ये दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ हमारा फेस को वाइट। ओके, सो दोस्तों ये वाला मैंने फेस वाइट कर लिया। ओके, एंड उसके बाद राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। ओके, राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से बेक वाला एरो आपको दिख रहा है होगा दोस्तों, उस पर क्लिक कर लेना। ओके, उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको पेंसिल वाला ऑप्शन दिखने में आ रहा होगा। ओके, पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद दोस्तों और नीचे आपको सिलेक्टिव आपको ऑप्शन दिखने में आ रहा होगा। ओके, सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। ओके, सिलेक्टिव पर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके फेस को थोड़ा हम वाइट कर लेंगे एंड स्मूथ कर लेंगे थोड़ा सा। ओके, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने फेस पर एक प्लस रख लेना एंड फेस को थोड़ा आप गोरा कर लेना। ओके, ओके, सो फेस को हमने गोरा कर लिया, आप देख सकते हैं। ओके, सो उसके बाद फिर से आपको पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है एंड स्क्रॉल करके नीचे आना है एंड यहाँ से आपको पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन दिखने में आ रहा होगा। ओके दोस्तों, सो पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है एंड फेस स्टाइल्स वगैरह इसका थोड़ा आप हम बढ़ा लीजिएगा। ओके, सो यहाँ से फेस थोड़ा सा हम बढ़ा लीजिएगा एंड स्किन स्मूथिंग है इसको भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम। ओके, एंड आईज क्लैरिटी है इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। ओके, सो हमारी पिक्चर बनकर हो चुकी है कम्प्लीट। ओके, सो आज की हमारी वीडियोज़ कैसी लगी, वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही चैनल पर आप सब्सक्राइब दोस्तों करते रहना, ठीक है, और हमारी सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।